ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली की कटौती व किसानों के बिजली बिल हाफ करने का वादा न निभाने के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन बेदी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। घंटाघर स्थित बिजली घर पर कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को अपने साथ धरने पर धूप में बैठाए रखा। बाद में अधीक्षण अभियंता देहात असलम हुसैन मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अधीक्षण अभियंता असलम हुसैन ने सभी किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि बिजली कटौती की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादे किए हुए हैं, एक तो वो तुरंत पूरे किए जाएं, और जो विद्युत विभाग भ्रष्टाचार करता है या विद्युत विभाग किसान मजदूरों को लारे लगाता है, टाइम पर उनका काम नहीं करता, ये मत सोचे कि आज अगर हम इकट्ठे हैं तो आज ये आश्वासन देंगे, उसके बाद भी मेरे किसान मजदूर भाइयों के साथ लारेबाजी नहीं होनी चाहिए, उनको चक्कर नहीं कटवाने हैं और उनके साथ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आज तो हम आराम से बात कर रहे हैं, नहीं तो दोबारा आने वाले 10 दिन में मैं फिर दोबारा इसी बिजली घर में धरना दूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे किसान मजदूर भाइयों की समस्या का निवारण नहीं होगा।